ओम शांति। 31 जुलाई बहुत नशे के साथ बाबा ने प्रारंभ किया है। बच्चे तुम्हें अपार खुशी होती है कि हम भगवान के सामने बैठे हैं, उसे सुन रहे हैं, वो आए हैं हमारे सम्मुख। क्या करने आए हैं? हमें विश्व की बादशाही देने आए हैं। तो निराकार है कैसे आएगा? बाबा कह रहे, बच्चे मैं निराकार हूँ, तुमसे कैसे मिलूँ, तुम्हें कैसे ज्ञान दूँ, तुम मेरी बात कैसे सुनो। तो मैं साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आता हूँ, तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ। वैसे तो तुम संसार की सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, पर मैंने तुम्हें इस ब्रह्मा के द्वारा आकर ब्राह्मण बनाया है। अब तुम मेरे से सत्य ज्ञान सुन रहे हो। तुम पुकारते थे, कहते थे, भक्ति करते करते भगवान मिल जाएंगे, भक्ति से भगवान मिल जाएंगे। फिर कहते थे, हे भगवान, आकर भक्तों की रक्षा करो। दो बातें हो गई। तो किसने दुखी किया भक्तों को, किसने आपदा लाई भक्तों पर, अब ये तुम जानते हो। माया, रावण, पांच विकार, इन्होंने दुख दिया, इन्होंने पतित बनाया। भक्ति तो करते रहे, पर माया रावण का प्रभाव भी बढ़ता रहा, इसलिए तुम मुझे बुलाते रहे, पतित पावन आओ, हे दुखहर्ता आओ, हम बहुत दुखी हो गए। बाबा कहते, घर घर में देखो क्या लगा हुआ है आजकल, दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ तुम्हारे दुख हरने के लिए, तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, सहज योग। अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। बाबा हमें भविष्य की झलकियाँ अवश्य दिखाते हैं। बाबा कहते हैं, कई लोग करोड़पति अरबपति होते हैं तो बड़ा नशा रखते हैं, हम तो स्वर्ग में हैं। बाबा कहते हैं, ये मिल्कियत तो एक सेकेंड में मिट्टी में मिल जाएगी, बहुत त्राही त्राही होंगी, महाविनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, लेकिन उसके बाद आएगा स्वर्ग, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। तुम तो पूज्य थे, निर्विकारी थे, पुजारी बन गए। पहले तुमने शिव के मंदिर बनाकर बहुत पूजा की, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दी थी, मैंने तुम्हें बहुत सुख दिया था, तुम्हारे सभी दुख दूर किए थे। तो रिटर्न में तुम मेरे बड़े बड़े मंदिर बनाते गए, बहुतों ने बनाए, सब पूजा करने लगे। फिर तुम देवताओं की प्रतिमाएं बनाकर अपनी ही पूजा करने लगे। तो तुम आप ही पूज्य थे देवता, आप ही देवताओं के पुजारी बन गए। लोगों ने तो भगवान के लिए लिख दिया कि वो आप ही पूज्य है, आप ही पुजारी है, वो गलत लिख दिया। भगवान कभी पुजारी बनता ही नहीं है। बाबा बच्चों से रूढ़िहान कर रहे हैं, ये बहुत मीठी रूढ़िहान है, जैसे घर में बाप बैठकर अपने बच्चों से कुछ पूछे। शिव बाबा, भगवान अपने महान बच्चों से पूछ रहे हैं, मैंने तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुमने कहाँ गंवा दी? मैंने तुम्हें निर्विकारी बनाया था, तुम विकारी कहाँ से बन गए? कितना सुख दिया था मैंने तुम्हें, अथाह धन संपदा, तुम दुखी हो गए? क्या किया तुमने? मुझे भी भूल गए, भक्ति करते रहे बस। तुम तो देवी देवता धर्म के थे, ये हिंदू क्यों कहलाने लगे हो? भूल गए तुम सब अपने धर्मों को? तो याद दिला रहे बाबा, हंसी मजाक में याद दिलाते थे, मैंने तुम्हें अथाह धन संपदा दी थी बच्चे, तुमने सब गंवा दी, फिर से आया हूँ तुम्हें देने के लिए। तो तुम्हें मेरी मत पर चलकर अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है, उच्च पद पाना है। ये रूढ़िहान हम भी बाबा से करते रहे, और बाबा हमारे सम्मुख बैठा है, इस पर बहुत ध्यान दें। बाबा एक सीख दे रहे हैं हमें। तुम जानते हो हमारा जन्म जन्म का कर्मों का हिसाब बहुत बड़ा है, वो हमें योग बल से चुक्त करना है। अगर हमारा योग अच्छा नहीं होगा, अगर हमारी बुद्धि भटकती होगी,
अगर देह के संबंधियों में लगी होगी तो हिसाब किताब चुक तो नहीं होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी नष्ट हो जाएगा। तो बाबा बहुत प्रेरणा दे रहे हैं, तुम्हें अच्छे कर्म करने हैं, कोई विकर्म तुमसे ना हो। मैं आकर तुम्हें आत्माभिमानी बनना सिखा रहा हूं। तुम देह विमान में आ गए, अब तुम स्वयं देखो, हमने 5,000 साल की यात्रा की। कोई बैरिस्टर है तो आत्मा है ना उसके अंदर, कोई नारी है उसके अंदर भी आत्मा है, तुम भी इस देह में बैठे हो, आत्मा हो। मैं भी परमात्मा निराकार तुम्हारे सम्मुख इस देह में बैठा हूँ। ये चिंतन करते करते तुम्हें आत्माभिमानी बन जाना है। आत्माभिमानी बनेंगे तो बहुत सारे विकार छूट जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी याद भी बहुत सरल हो जाएगी। याद जो मेहनत लगती है ना याद की, वो सब सहज हो जाएगी। तो आज हम अपने पर जरा नजर डालें। हमारे कर्म पुण्य कर्म होते हैं ऐसा तो नहीं, कलयुग के प्रभाव से, माया के प्रभाव से हम कोई विकर्म करते रहते हैं। हमने पूर्ण तैयारी की है, विनाश तो होगा। बाबा डराने के लिए नहीं कहते, लेकिन बाबा भावी का एक दर्शन कराते हैं हमें कि ये होने जा रहा है, तुम अपनी पूर्ण तैयारी करो, तुम्हें नष्टों वहां बनना है और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके बाबा से सब कुछ प्राप्त भी करना है। तो हमें अपने पे नजर रखनी है, हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें भगवान को पाकर कर लेना चाहिए, या उसको पाकर, उसको देखकर, उसे सुनकर ज्ञान, हम फिर से अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, धन कमाने के पीछे भागते हैं, या बच्चे मित्र संबंधियों में उलझ के रह जाते हैं। तो हमें अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी चाहिए। वरदान है अपने शांत स्वरूप में स्थित होकर चारों ओर शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति के सागर भव। बाबा ने कहा, संसार में अगर किसी चीज की बहुत जरूरत है दुनिया को, वो है शांति। शांति का मार्ग लोग नहीं जानते, अशांत किसने किया ये भी उन्हें नहीं पता। कोई व्यक्ति खुद शांत रहे लेकिन चारों ओर की अशांति, अशांत वातावरण उसको शांत रहने नहीं देगा। तो मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, इस धरा पर शांति स्थापित करने आया हूँ। इस स्मृति से शांति के सागर से शांति किरणें लेकर चारों ओर फैलाओ, ये होगी विश्व को शांति देने की सबसे बड़ी सेवा। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। तो आज के 2 अभ्यास होंगे हमारे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य से बाबा सामने कुछ दूरी पर है, 10 फुट पर है, और उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। दूसरा अभ्यास हर घंटे करेंगे, मैं मास्टर शांति दाता हूँ, बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं और सारे संसार में फैल रही हैं। हर घंटे में एक बार ये दोनों अभ्यास अवश्य करेंगे या ट्रैफिक कंट्रोल पर करेंगे। ओम शांति।